एवरीवन वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू के लिए मैंने आपको बताया है कि आप अंकिता मैम की वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से जम्मू की हिस्ट्री को कवर किया है। तो चलिए, कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने थोड़ा सा राज तरंगिणी के बारे में डिस्कस किया था कि किसने लिखी है, कब लिखी है, ठीक है, और इसमें कब कब इसमें नए नए क्रॉनिकल्स ऐड किए, नीलमत पुराण क्या है, ठीक है, जैदुल अबिदीन का क्या रेफरेंस है हमारी हिस्ट्री में। तो ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस करवाई थी और मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को हमारे मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिस्ट्री क्या है, न्यूलिथिक, अर्ली, मिडिवल एंड मॉडर्न। न्यूलिथिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बुर्जा होम नाम की एक साइट है डल लेक के किनारे, जहां पे आपको सबसे पहले रेफरेंसेस मिले थे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे अर्ली हिस्ट्री की। तो अर्ली हिस्ट्री में सबसे पहले महाभारत पीरियड है, मौर्य पीरियड है, कुषाण एम्पायर है, कारकोटा डायनेस्टी है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कारकोटा डायनेस्टी, ठीक है। तो चलिए इनके बारे इनके टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी, तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं महाभारत पीरियड की बात करता हूं तो जस्ट अ सेकेंड, तो महाभारत पीरियड में क्या है, राज तरंगिणी में यह लिखा गया है कि कल्हान ने बताया है कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो है वो स्टार्ट हुई जस्ट बिफोर महाभारत, ठीक है। नाउ मैंने आपको पहले से बताया था कि राज तरंगिणी जो है वो कहां से, वो नीलमत पुराण से इंस्पायर्ड है, नीलमत पुराण। और नीलमत पुराण की अगर आप विकीपीडिया खोलोगे तो वहां पर उसकी बिगनिंग ही ये दी हुई है कि कोई दो किंग है, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि आपने महाभारत की फाइट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, महाभारत की वॉर में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। देन उन्होंने बताया कि गोनंदा वन को और उसके सन को बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा मार दिया गया था, तो इसीलिए उन्होंने बिकॉज ऑफ सम ग्रजिस महाभारत की वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। नाउ क्योंकि ये इनका हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तो ज्यादा इसको वैलिडेशन नहीं मिलती, बट बहुत सारे चांसेस है कि हिस्ट्री आपकी बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू वाज गोनंदा वन, हमारे जम्मू का पहला किंग एज पर कल्हान, आपको एग्जाम में हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ जम्मू जम्मू एंड कश्मीर, तो ही वाज गोनंदा वन। और गोनंदा और उसके सन जो हैं, ठीक है, वो कहाँ मारे गए, वो महाभारत में मारे गए, ठीक है जी। ड्यूरिंग महाभारत गोनंदा टू वाज रूलिंग, जब महाभारत चल रही थी, महाभारत में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस टाइम पे गोनंदा टू वाज रूलिंग ना। उसके बाद यहाँ पे मौर्य एम्पायर आ गए, मौर्यन एम्पायर में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अशोका। मौर्यन एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है अशोका। कब आया ये, 3 BC। अब आप देख रहे हो BC की बात चल रही है, बहुत पुराना इतिहास है हमारा, ठीक है। 3 BC में, 8 BC में आपकी राज तरंगिणी लिखी गई थी, उस मतलब हम 3 BC में, एंड सॉरी 8 BC में आपकी नीलमत पुराण है, 12 BC में आपकी राज तरंगिणी है, एंड देन उसको मॉडिफाई किया गया। अभी 3 BC की बात कर रहे हैं, तो ही वॉज द फॉलोअर बुद्धिज्म, ठीक है। मौर्यन एम्पायर जो था वो किसके द्वारा रूल किया गया, अशोका द्वारा, अशोका द ग्रेट। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फॉलोअर था। फाउंडेड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कॉल्ड पंदरथन, ठीक है। तो इन्होंने सिटी जो फाउंड की, आपसे कोई पूछ सकता है कि अशोका द्वारा कौन सी सिटी फाइंड डिस्कवर की गई है, उन्होंने कौन सी सिटी एस्टेब्लिश की, तो दैट वॉज पंदरथन, ठीक है जी। अशोका की डेथ के बाद जालुका, उसका बेटा किंग दामोदर, ये लास्ट मौर्य एम्पायर था। तो ज्यादा इसमें आपको मौर्य एम्पायर में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे बस जानना है कि अशोका जो था वो पहला रूलर था और किंग दामोदर टू जो था वो लास्ट रूलर था, ठीक है जी। कुषाण डायनेस्टी आपको बताना है किसने फाउंड की, ठीक है। यहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने ये जानबूझ के खाली छोड़े हुए हैं, सो दैट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कुषाण डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर कौन था। कुषाण डायनेस्टी के बाद हमारे पास कारकोटा डायनेस्टी आ गई। कारकोटा डायनेस्टी में दुर्लाहा वर्धन बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे कारकोटा डायनेस्टी के और जम्मू एंड कश्मीर के। दुर्लाहा वर्धन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, क्यों, क्योंकि इनके टाइम पे ही ह्यून सांग जो थे उन्होंने विजिट किया कश्मीर में, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक होली श्राइन था जहां पे हिंदूज के अलावा और किसी को एंट्रीज नहीं होती थी, लेकिन ह्यून सांग जो है वो आपके क्या बोलते हैं बुद्धिस्ट थे, लेकिन स्टिल उनको बहुत आदर सत्कार से यहाँ पे एंट्री दी गई थी, ठीक है जी। तो आपको मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था जब ह्यून सांग की बात हो रही थी, मैं आपको ऊपर लेके चलूं, अगर जब भी ह्यून सांग की बात हो रही थी मैंने आपसे यहाँ पे अंडरलाइन करके पूछा था कि
कि चाइनीज पिलग्रिम कौन थे जिन्होंने 631 AD में जम्मू एंड कश्मीर विजिट किया, किस किंग के टाइम पे। मैंने आपको बताया था डायनेस्टी कौन सी थी, कारकोटा। तो यहां पे किंग कौन से हैं, दुर्लभ वर्धन। ठीक है जी, तो ये आपका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में मैंने एमसीक्यू आपका देखा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया कुषाण डायनेस्टी, आ गई आपकी होगी कारकोटा हो गई। ठीक है, उसके बाद कारकोटा डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, कारकोटा डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका नाम क्या है, ललित आदित्य। क्या है, ललित आदित्य। ये जम्मू या कश्मीर के समुद्रगुप्त कहे जाते हैं इनको, जम्मू या कश्मीर का समुद्रगुप्त कहा जाता है। अभी ललित आदित्य का रेफरेंस आगे भी आएगा तो इनको याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हु विच रूलर वॉज कॉल्ड द समुद्रगुप्त ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर। तो उनका नाम क्या है, ललित आदित्य। क्या नाम है, ललित आदित्य मुक्तापीठ। पूरा नाम क्या है, ललित आदित्य मुक्तापीठ। ठीक है, इनको ललित सॉरी इनको समुद्रगुप्त कहा जाता है कश्मीर का। इन्होंने बहुत फेमस सन टेम्पल जो है, मार्तंड सन टेम्पल जो कश्मीर में है, आई थिंक ये आपका सोपोर में प्रेजेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोपोर में आपका ये सन टेम्पल है जो कि इन्होंने बनाया था। अभी एट ए टाइम इसको अबंडन कर दिया गया है, अभी यहाँ पे पूजा पूजा नहीं होती है, डिस्ट्रॉय हो गया है ये। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन टेम्पल, देखो पूरी दुनिया में दो ही सन टेम्पल है, एक आपका कश्मीर में है, एक आपका कश्मीर में है जो कि किसने बनाया, ललित आदित्य ने बनाया, और दूसरा आपका कहां पे है, कोणार्क में, कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है जी, आगे चलते हैं, डिसेंडेड बाय जयतिडा, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ललित आदित्य के बाद कौन है, जयतिडा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा। मैंने हर एक चीज इंपॉर्टेंट लिखी है वैसे यहां पे, तो इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी वो कौन थे, जयतिडा। ठीक है जी, इसके बाद उत्पला डायनेस्टी आ गई एंड उन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद हमारी मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, मिडीवल हिस्ट्री में आपके क्या आ गए, उत्पला डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे कारकोटा डायनेस्टी के साथ आपके क्या हो गए, कारकोटा डायनेस्टी के साथ आपकी जो जो अर्लियर हिस्ट्री है वो खत्म हो गई। तो अर्लियर हिस्ट्री में हमने कौन कौन सी डायनेस्टी पढ़ी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा महाभारत पीरियड, देन हमने पढ़ा यहाँ पे कुषाण डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, देन हमने पढ़ा कुषाण डायनेस्टी एंड देन हमने पढ़ा कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, हम मिडीविल हिस्ट्री पे आते हैं। तो मिडीविल हिस्ट्री में आपके पास सबसे पहली क्या है, उत्पला डायनेस्टी, जिसका फाउंडर कौन थे, अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। ठीक है जी, हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर द सिटी ऑफ अवंतीपुरा। अवंतीपुरा जो सिटी है वो किसने फाउंड की है, वो की है अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन ने जहां पे उन्होंने दो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए, जहां पे इंपॉर्टेंट है कि अवंती वर्मन ने दो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाए थे, किसके और किसके, शिवा का और विष्णु का, दो इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है कश्मीर में इन्होंने क्या बताए, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए। अवंती वर्मन जो है वो डल के किनारे, उनकी डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ सम फैटल डिजीज, बीमार हो गए थे। फिर उसके बाद उनके सन ने उनको सक्सीड किया, उसके बाद उनके सन आए जिनका नाम क्या था, शंकर वर्मन। तो अवंती वर्मन के बाद आपके यहां शंकर वर्मन आए। ठीक है, जिसके बाद यहां पे खेम गुप्ता आए, खेम गुप्ता। ठीक है, अवंती वर्मन के बेटे शंकर वर्मन, शंकर वर्मन के बेटे आपके खेम गुप्ता। अब खेम गुप्ता इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसेस डिडा से शादी की। इन्होंने क्या किया, प्रिंसेस डिडा से। अब प्रिंसेस डिडा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडिया की नहीं थी, शी वॉज फ्रॉम अफगान। ये क्या थे, अफगान के थे। ठीक है, इन्होंने अफगान की प्रेम, खेम गुप्ता ने प्रिंसेस डिडा जो कि अफगान की रूलर है उनसे शादी की। ठीक है, डिडा वॉज द डॉटर ऑफ लोहारा। ठीक है, लोहरा जो कि ग्रैंड डॉटर था शाही किंग ऑफ काबुल। लोहारा जो था, सॉरी डिडा जो थी वो डॉटर थी लोहरा की, एंड शी वॉज द ग्रैंड डॉटर, पोती थी किसकी, शाही किंग ऑफ काबुल। काबुल आप जानते हो कहां पे, अफगानिस्तान में है। फिर क्या हुआ, जब इसकी शादी होगी तो खेम गुप्ता की डेथ हो गई। खेम गुप्ता की जो कि प्रिंसेस डिडा का पति था, जो कि हमारे कश्मीर का रूलर था, खेम गुप्ता की बिकॉज ऑफ सम रीजंस डेथ होगी। प्रिंसेस डिडा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करवा रहा हूं। ठीक है, इनकी डेथ हो गई, खेम गुप्ता डाइड एंड वाइफ प्रिंसेस डिडा एक्सीडेड द थ्रो इन 980 AD एंड बिकम द क्वीन।
उसके बाद खेम गुप्ता के बाद यहाँ पे कोई डिसेंडेंट नहीं था, तो उनकी पत्नी डीडा ने कश्मीर की क्वीन संभाली। तो कोई पूछे आपकी हु वॉज द फर्स्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्वीन डीडा। कौन थी? क्वीन डीडा थी। क्वीन डीडा यहाँ पे डाइड आएगा, यहाँ पे डाइड इन 1003 AD एंड लेफ्ट थ्रोन टू द फैमिली, और अपनी थ्रोन जो अपनी फैमिली में छोड़ दी। अब क्या हुआ, डीडा का बेटा भी मर गया, ठीक है। क्या क्या नाम था यहाँ पे? खेम गुप्ता पति था डीडा का, डीडा की खेम तो गुप्ता की डेथ हो गई, ठीक है, 980 AD में। देन क्वीन डीडा की डेथ हो गई 1003 AD में। उसके बाद उसके बेटे की भी डेथ हो गई। अब जो थ्रोन थी वो खाली थी। यहां पे कौन आ गया? यहां पे डीडा का ब्रदर आ गया। कहां से? अफगानिस्तान से उठ के। यहां पे डीडा का ब्रदर आ गया, जिसका नाम क्या था? संग्राम राज। जिसका नाम क्या था? संग्राम राज। अच्छा, ये सारे हिंदू रूलर थे, ठीक है। अफगानिस्तान में भी उस टाइम हिंदू रूल चल रहा था, ठीक है। तो सन ऑफ डीडा, सॉरी, संग्राम राज क्या था? उसके भाई का बेटा था। संग्राम राज वाज द सन ऑफ डीडास ब्रदर, और उसको आपकी डायनेस्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ लोहारा, ठीक है। उसके बाद डीडा के मरने के बाद, डीडा के सन के मरने के बाद यहाँ पे नई डायनेस्टी आ गई, जिसका नाम क्या था? लोहारा। उत्पला डायनेस्टी एंड होगी और लोहारा बिगन होगी। पहला किंग कौन था? पहला किंग था इसका संग्राम राज। पहला क्या था? संग्राम राज, आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन डीडा। क्वीन डीडा के बाद उसका भाई संग्राम राज ने ये गद्दी संभाली, ठीक है। इसने मोर देन 1 सेंचुरी कश्मीर को रूल किया, ठीक है। फ्रॉम 1089 टू 1011 किंग हर्षा रूल्ड कश्मीर। अच्छा, किंग हर्षा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किंग हर्षा के टाइम पे राज तरंगिनी लिखी गई। राज तरंगिनी किंग हर्षा के टाइम पे लिखी गई, और किंग हर्षा के टाइम पे ही आपका कल्हान जो था वो यहाँ पे दरबारी था, ठीक है जी। हर्षा एंड सन भोज वर मर्डर्ड एंड कश्मीर थ्रोन पास टू हैंड ऑफ टू प्रिंसेस, ठीक है। फिर हर्षा और भोजा जो थी उनकी भी डेथ हो गई। अब उसको थोड़ा थोड़ा रेफरेंस के लिए पढ़ लो, ठीक है। क्या बता, एग्जाम में पॉइंट हो रहे थे, तो अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर जाए, ठीक है जी। तो उक्काला एंड सुक्काला दो बेटियां थी, ठीक है, दो प्रिंसेस थी, इनको ये ट्रांसफर कर दी गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया। वेन कल्हाना कंप्लीटेड राज तरंगिनी इन 1149 टू 50 AD, जयसीमा वॉज रूलिंग द स्टेट। तो यहां पे आया था भी जयसीमा? नहीं आया था। हर्षा भोजा मर्डर, ठीक है, जयसीमा नहीं आया यहाँ पे। देखो, जयसीमा राजतरंगिनी, देखो राजतरंगिनी स्टार्ट किसने कराई? हर्षा ने। हर्षा के टाइम पे ही लिखना स्टार्ट हुई, और जब कंप्लीट हुई तो कौन था? जयसीमा जो था तब रूल कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे देव डायनेस्टी आ गई। अच्छा, देव डायनेस्टी जो है, दिस इज वेरी इमिनेंट डायनेस्टी ऑफ जम्मू। जम्मू में देव डायनेस्टी ने मोर देन 1000 ईयर्स रूल किया है। मोर देन 1000 ईयर्स, एक पर्टिकुलर डायनेस्टी ने जम्मू में 1000 ईयर्स तक रूल किया है। आपके जम्मू में अगर आप देखोगे, मुबारक मंडी महाराजा मल देव ने बनवाई थी, ठीक है, और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करवाई थी देव डायनेस्टी ने। इसके बारे में मैं आपको सेपरेटली जम्मू की टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट जम्मू की हिस्ट्री जो कि कहीं छिप गई है मैं आपके सामने लाने का ट्राई करूं, ठीक है। तो देव डायनेस्टी में 12 से 13 रूलर थे। कश्मीर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट देव डायनेस्टी, ठीक है। कश्मीर में इन्होंने सिर्फ 150 साल तक राज किया, लेकिन जम्मू में इन्होंने अराउंड 1000 साल तक राज किया। लास्ट रूलर थी कश्मीर की कोटा रानी, जो कि देव डायनेस्टी की थी, एंड शी वॉज ऑल्सो द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन है? कोटा रानी। कौन है जी? कोटा रानी, ठीक है। शी वॉज मर्डर्ड बाय शाहमीर। वो उसका मर्डर किसने कर दिया? शाहमीर ने उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद शाहमीर जो है, शाहमीर के मर्डर करने के बाद यहाँ पे नई डायनेस्टी आ गई, जिसका नाम था शाम्स, जिसका नाम था शाह डायनेस्टी, ठीक है। शाह डायनेस्टी थी, चेक कर लेते हैं, शाहमीरी डायनेस्टी, यस, शाहमीरी डायनेस्टी। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं कि शी वॉज मर्डर्ड बाय शाहमीर। शाहमीर कौन था? शाहमीर ने क्या किया? एस्टेब्लिश सल्तनत विद द टाइटल ऑफ सुल्तान शामसुद्दीन। उसने अपना नाम क्या दे दिया? सुल्तान शामसुद्दीन, ठीक है। देव डायनेस्टी यहाँ पे खत्म हुई और मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने नियोलिथिक पढ़ लिया, हमने यहाँ पे मिडीवियल पढ़ लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे मिडीवियल पढ़ लिया, मिडीवियल नहीं पढ़ा अभी हमने, हमने अर्ली हिस्ट्री पढ़ ली, हमने अर्ली हिस्ट्री पढ़ ली। अर्ली हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? हमने महाभारत पीरियड पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे मौर्यन एम्पायर पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे कुषाण एम्पायर पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे कालकोटा डायनेस्टी पढ़ी, ठीक है।
कारोक डायनेस्टी के बाद यहाँ पे हमारे पास मिडिवियल पीरियड आ गया। मिडिवियल पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ उत्पला डायनेस्टी के साथ, उत्पला डायनेस्टी के साथ। देन यहाँ पे देव डायनेस्टी आई, देन देव डायनेस्टी आई, एंड देव डायनेस्टी के लास्ट रूलर क्या थी? कोटा रानी। कोटा रानी वॉज ऑल्सो द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश हो गया 1339 AD में, ठीक है, किसके साथ? शाहमीरी डायनेस्टी के साथ। तो मुस्लिम रूल जो है हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ आपको समझ में आया होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें लगी होंगी। लेक्चर अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड शेयर भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।